जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक होगा आपका विशाल ब्लॉग जीरो चैनल पे। दोस्तों आज अपन लोग जर्नी करने वाले हैं अपने बेलगावी से कटप्रभा तक, और बाकी दिखाने वाले हैं आपको अपना इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। बाकी बेलगावी से देखते हैं कटप्रभा तक कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, और बाकी कटप्रभा से कुर्ची तक तो हो चुका है इलेक्ट्रिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आ गई अपनी रानी चन्नम्मा एक्सप्रेस, और बाकी आई अपने KGM शेड के WDP 40 40454। भीड़ है फिलहाल, देखते हैं बैग रखते हैं यहाँ पर। तो बाकी कवर करते हैं अपना घटप्रभा सेक्शन, और बाकी बेलगावी से घटप्रभा तक का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो दोस्तों बाकी गाड़ी डिपार्ट हो चुकी है लगभग 1 घंटे डिले के साथ। दोस्तों बाकी पूरा व्यू देखिए अपने टाइम लैप्स में, ठीक है। मैं टाइम लैप्स में कवर करने की कोशिश करता हूँ, बाकी जहाँ जहाँ काम हुआ रहेगा वहाँ वहाँ कवर बताएंगे आपको कहाँ तक काम हुआ है कहाँ तक नहीं। अभी फिलहाल तो बेलगावी का ऑर्डर तो फिलहाल दिख रहा है कि इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, तो चलिए पूरा कवर करते हैं, ठीक है। अजमेर केसर बेंगलुरुपुर का के रुकाया गया है भाई, होम सिग्नल पे रुकाया गया था। बाकी देख सकते हो क्रॉसिंग हो रही है। बाकी वैसे सांबरा तक तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, जैसा कि मुझे पता है कि सांबरा तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और बाकी देखते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं अपने सांबरा रेलवे स्टेशन को, और ये देखो अपना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तो भाई हो चुका है यहाँ पर भी। और जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन के जो अपने कोचेज वगैरह हैं ना, वो भी है यहाँ पर। तो सांबरा का नया बोर्ड भी देख सकते हो, सांबरा रीडेवलप में आ रहा है भाई, देखो। और यहाँ अपना 40517 अपना लोकोमोटिव है, देख सकते हो HN इंस्पेक्शन, और अपना एक WDG लोकोमोटिव। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो। वायरिंग नहीं है।
दोस्तों ये देख सकते हो सिर्फ पोल्स अभी आए हैं, ये EMD पोल्स आए हैं, बाकी पूरा इलेक्ट्रिफाइड रूट है भाई। अभी तो ये सिर्फ पोल्स वगैरह आ चुके हैं लेकिन वायरिंग अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल सुल्दाल आउटर है ना, वहाँ तक वायरिंग पूरी एकदम कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद नहीं हुई है। हाँ बारिश हो रही है, तो ये है कुकक के आउटर का सीन। और बस यहाँ पर भी पोल्स लगा दिया गया है भाई, और यहाँ गाड़ी रुकने वाली है भी, इसके लिए स्लो डाउन हुई है दोस्तों। वैसे यहाँ पर देख सकते हो पोल वगैरह तो फिलहाल स्टेशन के अंदर नहीं आए हैं, देख सकते हो भाई। और गाड़ी सारे लोग यहीं इस तरफ उतर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर इनका। और यहाँ पर पोल वगैरह तो आए हैं थोड़े ही, और यहाँ बारिश हो रही है हल्की हल्की, इसलिए मैं नहीं उतर रहा वैसे, ठीक है। तो दोस्तों कोकाक स्टिल अपना आने लगे इलेक्ट्रिफाइड दिखने से मेरे को भाई अच्छा लगा देखने से। और वैसे देख सकते हो अपना पुरानी चनम एक्सप्रेस विदाउट इलेक्ट्रिफाइड, और अपने विदाउट इलेक्ट्रिफाइड रूट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर स्लाइड कर ले रही है। बाकी चलिए देख मिलते हैं आपको अपने घट्टाप्रभा के अपने जो रेलवे स्टेशन है वहाँ मिलते हैं, और उसके पहले आपको दिखाएंगे अपना जाइंट अपना घट्टाप्रभा नदी, और जो कि चलिए दिखाते हैं दोस्तों। भाई यहाँ पर देख सकते हो अपना घट्टाप्रभा नदी, और यहाँ छोटा हल्का सा फॉल्स की तरह बन रहा है। और ये देख सकते हो घट्टाप्रभा नदी भाई बिल्कुल टॉप लेवल पे बह रहा है फिलहाल, देख सकते हो। और ये जाएगा बोकाक फॉल्स में बहेगा, और अपना जो वर्चिन मल्की फॉल्स है ना उसमें जाता है। पानी तो देख सकते हो भाई, पानी काफ़ी हैवी है। दोस्तों गाड़ी पहुंच चुकी है अपने घट्टाप्रभा रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अपने घट्टाप्रभा रेलवे स्टेशन। भाई साहब आपको ये जर्नी पसंद आई होगी तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बाकी मैंने इसमें कवर किया था अपना दोस्तों बेलगावी से घट्टाप्रभा का इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट। तो आपको पसंद आया हो तो भाई एक लाइक ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों को, और ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है। मॉनसून शुरू हो चुका है तो भाई कॉन्टेंट बहुत सारे हैं, देखते हैं कौन से रूट कवर कर पाते हैं। और बाकी अपना सुझाव दे सकते हो कि भाई कौन से रूट अभी अपने मॉनसून में कवर करना है, और बाकी मैं उसी के हिसाब से अपना जर्नी प्लान करूंगा, और आपके हिसाब से जर्नी करेंगे इस बार और इस मॉनसून में। बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस में ही देखते हैं कौन सी, बाद में 4 ऑप्शन देंगे अपने इसमें, और बाकी उसमें बताना कौन सा रूट तय करना है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी एक नई जर्नी में एक नई शानदार ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय श्री राम।